अस्तगफुल्ला, हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं। जब लिखा हुआ है श्वेता सेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, नाचस्य प्रतिमा अस्ति। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए अनिरुद्ध आचार्य जी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नायक का रिएक्शन। एक बच्चे ने बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा, उसका जवाब क्या आता है दोनों की तरफ से, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। और लाइक हमेशा ये होता है कि जो डॉक्टर ये अनिरुद्ध जी है वो बहुत ही अच्छी रिप्लाई देते हैं और उनकी बात को सुनने में सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अब देखते हैं कि अनिरुद्ध जी का क्या रिप्लाई होता है और डॉक्टर जाकिर नायक का क्या रिप्लाई होता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही अच्छे आंसर्स देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गुरु जी, किसी को भगवान ने किसी ने देखा ही नहीं है, फिर फोटो कैसे बन जाते हैं? भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर फोटो कैसे बन जाते हैं? वाह, क्या सवाल है बच्चे का, तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल बेटा। भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर भगवान कैसे हैं, ऐसा लिखा है ना भागवत जी में कि भगवान के बाल घुंघराले से हैं, आंखें ऐसी हैं, नाक ऐसी हैं, गाल ऐसे हैं, मुंह ऐसा है, अधर ऐसे हैं, होंठ ऐसे हैं, छाती ऐसी है, भुजा। तो जो जैसे चोर पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है, स्केच बनवाती है ना, उसी तरह ठाकुर जी कैसे हैं सब लिखा हुआ है। उसके बाद सब सुन सुन के ठाकुर जी का वैसे ही हुलिया बनाया, तो ऐसा बन किया गया। गुरु जी, आपके गोदी में बैठना चाहता हूं मैं। हाँ हाँ, आ जाना। वाह, वो के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवन अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए उसूल से चलते आ रही है, आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आप के उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे क्या मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो पैसे ज्यादा कमाने के। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो, आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलत फहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं और हम क्या कर रहे हैं, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुल्ला, हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं। जब लिखा हुआ है श्वेता सेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? वाह, इंटरेस्टिंग। भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया, मुझे फर्क पड़े ना पड़े वो तो बेवकूफ बन रहे ना। कैसा बेवकूफ इंसान है, मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूंगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करें, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं
और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहां ने लिखा है एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते, नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है? आपको शायद पता होगा नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं। इदम नममे आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते आप ईश्वर है? इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी? वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे? ईश्वर को क्यों गाली दे रहे? खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ये नहीं सिखाता, ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की एजाज करते हैं। इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह अस्सलामु अलैकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो, इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं और फिर आपकी बात नहीं मानूंगा? सलामती का भी तो वही हो गया। फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलामु अलैकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वह इजा हुई तुम, मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम अज कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे मुझे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूंगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, और बेहतरीन होना चाहिए या कम अज कम यकसा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम अज कम उतना दो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तालीमात है कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल मैं नीली गोली खाऊंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है
उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। इसमें मुझे एक बहुत बड़ा सवाल यह था कि भाई जहां वो कहते कि अगर बुरे इंसान को हम ये कहें कि भाई तेरे अंदर भगवान है तो वो गलत है, मेरे को समझ आया, पर बुरे इंसान को सलामत करना भी मेरे ख्याल से वो भी गलत ही हुआ ना, कि भाई उसने अगर तुम्हारे साथ चोरी की या फिर मान लो वो मर्डर करने वाला हो या कर रहा हो और तुम्हारे परिवार के साथ खराब करने वाला हो तो तुम उसको सलामतियाँ दे रहे हो, तो भी मुझे लगा कि वो भी फिर वहाँ पर उसी एग्जाम्पल के साथ तो गलत साबित हुआ। तो अब उसका क्या जवाब है तो वो पता नहीं, अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। हाँ बाकी जहाँ तक उससे पहले बात थी जैसे कि जिसकी आइडल्स कैसे बनाते, तो उसका मेरे ख्याल से अनिरुद्ध आचार्य जी ने भी बहुत अच्छे से बताया कि भाई किस तरीके से वो लिखा हुआ उनका डिस्क्रिप्शन और उस बेसिस पे बनाते हैं, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, तो ये खुद से ही बनाया हुआ है, अब वो हमें कुछ पढ़ या समझ के ही समझ आ सकता है। जगह है वो ये है कि आप दोनों ही मतलब कि दोनों रिलीजन की बुक्स पढ़ो, है ना, तभी इसका पता लगेगा। और हिंदुज़म में मेंशन अगर है ये चीज़ कि कैसे मतलब कि जो हमारे गॉड है वो कैसे दिखते हैं, और उस बेसिस पे वो मतलब कि ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते पर हाँ थोड़ा बहुत बना लेते हैं, तो फिर मुझे लगता है वो सही है। लेकिन अगर वो नहीं लिखा है कहीं पर तो डेफिनेटली ऐसी बात है कि फिर तो हम लोग खुद ही वो चीज़ कर रहे हैं, है ना। और लाइक मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि भगवान तो देखो एक ही है, और पता नहीं उसने क्या पता किसी ने देखा, जैसे अगर ये हो रहा है कि उसमें लिखा हुआ है तो क्या होगा ही अगर इतने ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं दोनों तरफ के, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग नहीं मानते कि ऐसे होता है। मुझे ऐसे लगता है कि हर एक इंसान की अलग डेफिनेशन है भगवान की, और अभी भी ऐसा लगता है हम सबको जो सबके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि जो भी वो ओपिनियन रखते हैं, और उनके सेंटिमेंट्स के साथ हम लोगों को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही गलत बात होती है। तो ये वीडियो मुझे ठीक लगी है। तो आप लोगों को कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए और बाय।